4 बजे वाला पटना। और फिलहाल अभी हम लोग हैं लाउंज वाले सेक्शन में। इधर देख सकते हैं कि ये लखनऊ का जो लाउंज है वो है। प्लेन में जितने लोग आपको दिख रहे हैं इन सभी का जान अब हमारे हाथों में है। कुछ हुआ तो इसे तोड़ फोड़ के हटा देना है और यहाँ से कूदना नहीं है, कुछ सिस्टम है, गेट वेट ये खोलना है यहाँ से और फिर सबको इवैक्यूएट करवाना है। पहले कभी शायद लाइफ में देखे नहीं होंगे कि ऐसे मेट्रो के बाहर कोई घूम रहा है, खड़े होकर गेट वेट खुला हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और ये है हम लोग का लखनऊ में अंतिम दिन। आज दिन में फ्लाइट है, 4 बजे की फ्लाइट है और फिर हम लोग जा रहे हैं पटना और इसी के साथ जो ट्रिप है ये भी होता है ख़त्म। तो अभी मॉर्निंग का 9:30 हो रहा है, सो के भी हम लोग जस्ट उठे हैं थोड़ी देर पहले। अब ये चाय वाय पियेंगे, ये पार्ले जी बिस्किट खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। एक दो सोचे हैं कि वेज का भी कुछ वीडियोस बना ले, उस चार्ट बनाना था और एक दो कुछ देखते ही है वो गेस्ट हाउस जिसमें कि हम लोग स्टे कर रहे हैं। और ये जो है ये अब बाहर का लुक है, ये मतलब बालकनी का लुक है, इधर हो गया बालकनी और सामने में जो है ये बहुत बढ़िया सा पार्क है, प्रॉपर ग्रीनरी है। अब बस रूम जो है ये खाली हो चुका है, यहीं पर हम लोग रहे थे। ये गेस्ट हाउस था, इधर रूम था और सामने में जो था ये बालकनी था। तो बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं, जो कैब है वो उधर नीचे आ चुका है, तो बस अब फटाफट निकला जाए यहाँ से। तो अभी हम लोग आए थे एक चाट वाले स्पॉट को कवर करने जो कि बहुत पॉपुलर है, और वो अभी जो अंकल है वो आए नहीं थे, तो सोचे कि कुछ और नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता का एक बहुत बढ़िया सा दुकान है तो वहाँ चले गए। अब जा रहे हैं वापस, 15 से 20 मिनट हो गया और इस तरह से लखनऊ के सड़क पर हम लोग बैग वैग ले कर घूम रहे हैं। तो एक बार वो कर लेंगे, उसके बाद सीधे फिर एयरपोर्ट के लिए बढ़ेंगे और फिर फ्लाइट पकड़ेंगे। और ये आप देख सकते हैं हजरतगंज एरिया में फ़िलहाल हम लोग हैं। लखनऊ का जो वाइब है, जो यहाँ के इन्वायरमेंट है, जो लोग का जो लैंग्वेज है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो जो लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया लगा। तो बस अब आ चुके हैं डेस्टिनेशन पे। तो अभी हम लोग मेट्रो में बैठे हुए एयरपोर्ट जा रहे थे और पहली बार ऐसा लाइफ में देख रहे हैं, मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा मेट्रो में बैठे भी नहीं, बट जो लोग बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं पहली बार ऐसा हो कि मेट्रो बंद हो गया है, मतलब डिस्चार्ज कुछ हो गया है और मेट्रो जो है वो बंद हो चुका है। डर लग रहा है कहीं प्लेन ना छूट जाए। और इधर जो है ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है, ये एक सीतामढ़ी का पुराना वीडियो था, इसे अभी प्रीमियर पे लगाए हैं और सोच रहे हैं कि वेट कर लेते हैं प्रीमियर होने तक का। प्रीमियर होने तक, ख़त्म होने के बाद भी अगर ये मेट्रो स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर यहाँ से निकलेंगे, कैब पकड़ के अब जाएंगे। तुम तो पहले बैठे हो मेट्रो में, ऐसा कभी हुआ लाइफ में? मेट्रो बंद हो गया हो, बीच में आधे घंटे से बंद पड़ा हुआ है। ₹50 हमको तो हम छू देंगे। तो ऐसे आप लोग पहले कभी शायद लाइफ में देखे नहीं होंगे कि ऐसे मेट्रो के बाहर कोई घूम रहा है, खड़े होके गेट वेट खुला हुआ है। ये इस तरह से पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि मेट्रो बीच में रुका हुआ है और गेट खुला हुआ है। पिछले 15-20 मिनट से गेट ऐसा ही खुला हुआ है। तो ये था सामने मेट्रो जिससे कि हम लोग आए हैं, और इधर बिल्कुल अपोजिट साइड में है एयरपोर्ट जिधर हम लोग को जाना है। और यहाँ हम लोग अदब वाले एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। अदब से पॉकेट मारा जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और थोड़ा देर वेट करना है 1 से 1.5 घंटे का, उसके बाद जो है हमारा फ्लाइट है। तो हम लोग का जो फ्लाइट है ये है 4 बजे वाला पटना। और फिलहाल अभी हम लोग हैं लाउंज वाले सेक्शन में। इधर देख सकते हैं कि ये लखनऊ का जो लाउंज है वो है और यहाँ का एक्सेस था तो यहाँ आ सकते हैं, कुछ भी खाना पीना हो खाना वो खा सकते हैं। जब तक फ्लाइट नहीं है तब तक यहाँ पर वेट कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट बताते हैं थोड़ा सा देख के। लाउंज से खा पी के निकल गए और लाउंज का खाना जितना बेकार था, एक कोल्ड ड्रिंक भी उतना ही बेकार है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला हुआ है। थोड़ा सा और इंतजार करना है 10 से 15 मिनट का, उसके बाद जो है फ्लाइट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम लोग
फ्लाइट में एंटर करेंगे। और ये लखनऊ एयरपोर्ट का आप ऊपर का लुक देख सकते हैं। और बस सामने गेट नंबर 4 के पास हमारा जो फ्लाइट में बोर्डिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। लाइन लग चुका है उधर। अरे ये भी है यहाँ पे दस्तरखान, जहाँ हम लोग गए नहीं लखनऊ में, दस्तरखान का यहाँ पे है शोरूम कह रहे हैं आउटलेट। ये भी जाना था लखनऊ में, दस्तरखान जाना था, एक मुनीन करके है ये यहाँ पे इसका आउटलेट है। पैक करा के ले चलते हैं, मिठाई उठाई है। अरे यार यहाँ होली का आइटम सब मिल रहा है, अभी ले लो ना, तुमको ले आना था ना कुछ घर पे तोहफा यहाँ से। कितने का ये देखो, दाम देखे 390 का, तो रेट तो ठीक ही है, जो रहता है वही है। यहाँ पर सिर्फ मतलब डेजर्ट वाला चीज़ है या और भी कुछ है? यहाँ पर सर नॉर्मली कबाब है, बिरयानी है, वो सब कुछ पैक्ड है। क्या है मिठाई? अच्छा ये तो दस्तरखान का नहीं है ना, ये तो अलग ब्रांड है, सियाराम। अच्छा ये क्या हो रहा है, डिस्काउंट कितना मिलेगा? हाँ इसमें मैक्सिमम कितना का डिस्काउंट है? 15% का तो मैक्सिमम है, जीतने का तो खुशी भी नहीं होने वाला है। लाइन लग के आ जाओ। लाइन लग गया तो लाइन में क्या लगना है, अभी इंट्री स्टार्ट अभी नहीं ना हुआ है। 5:30 तो बज ही जाएगा पहुँचना। कहे के लिए लियो तुम? ले लिया मगदल, इधर पटना में सब नहीं मिल जाएगा। नहीं मिलता ना मगदल। क्या है मगदल, फाड़ के दिखाओ थोड़ा, खाया जाए मगदल क्या होता है? देखा जाए ना क्या है इसमें थोड़ा सा दिखाओ ना, देखा जाए टेस्ट। अनबॉक्सिंग मतलब मेरी मम्मी अनबॉक्सिंग अभी कर देते हैं, फिर पैक कर देंगे, फिर मम्मी से करवा लेना अनबॉक्सिंग। बोर्डिंग पास चेक करा ली है और ये कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ मिला है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, ये अभी तक हम लोग और कहीं देखे नहीं थे, लखनऊ में मिला है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। सफाई चल रहा है कि आगे दिखे? अरे यार कितना चेकिंग है, फिर आगे चेक करेगा। मैं तो फेंक दिए वो नहीं जाओ, देखो कहाँ फेंके, उठा के लाओ। पासपोर्ट लेके पटना जा रहे हैं? दुबई से आ रहे हैं आप? फोर्टीन डी मेरा 14 वो है, देखो ई होगा सर मेरा, कितना है ई मिडिल वाला। अरे यार ये तो दिक्कत हो गया फिर। सेम है। तो अब हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं और अब सीधे मिलने वाले हैं पटना। तो अभी हम लोग तो जो हमारा सीट था वो पीछे की ओर था, बट हम लोग को आगे शिफ्ट किया गया, ये इमरजेंसी ओपनिंग गेट के पास बैठाया गया। कुछ इमरजेंसी हो गया तो हम लोग को सिखाया गया कि किस तरीके से हैंडल करना है। तो जो पूरे प्लेन में जितने लोग आपको दिख रहे हैं, सभी का जान अब हमारे हाथों में है। कुछ हुआ तो इसे तोड़ फोड़ के हटा देना है और यहाँ से कूदना नहीं है, कुछ सिस्टम है, गेट वेट ये खोलना है यहाँ से और फिर सबको इवैक्यूएट करवाना है। तो हम लोग पीछे बैठे थे, हम लोग आगे शिफ्ट करके ये सब कुछ सिखाया गया क्योंकि ये वाला जो सीट है ये वैकेंट था। वैसे वो क्या क्या सिखाएं कुछ अच्छे से समझ में तो आया नहीं, बट जब जान पे बात आएगा तो ऑलरेडी सब हो जाएगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। जो पटना से दिल्ली वाला फ्लाइट था उसमें भी एक सब्सक्राइबर मिले थे हम लोग, और अभी लखनऊ से पटना जा रहे हैं इसमें भी एक सब्सक्राइबर मिले, और कोइंसिडेंटली दोनों केस में जो उनका सीट था वो बिल्कुल बगल में ही। बट अभी फ़िलहाल हम लोग सीट जो है वो चेंज कर लिए, इमरजेंसी एग्जिट के पास आ चुके हैं क्योंकि इस प्लेन में हर किसी का जान अब हमारे इन हाथों में है। और जो सीक्रेट कोड है वो ये है कि इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट। अगर 3
बार इवैक्यूएट 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 बोला जाए तो इस गेट को खोल देना है और यहाँ से कूद जाना है, मतलब कूद नहीं आना है, मतलब जो आगे का प्रोसेस है वो करना है। यहाँ कोई वो सब फैसिलिटी नहीं है कि तुमको बस आएगा पिक करने या तुम लवारिस की तरह उतार दिया जाता है, जाइए अपना जहाँ जाना है खुद से। तो अभी हम लोग पटना पहुँच चुके हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कन्वेयर बेल्ट पर अपना बैग दिखे, जहाँ बैग दिखा वहाँ ये कन्फर्मेशन बटन पे क्लिक हो जाएगा। रखो रखो इसको रखो ना, एक दो राउंड लगा के आएगा, मज़ा आएगा। रख तुम, देखा जाएगा ये पहले आता है कि पहले तुम्हारा बैग आता है, यहीं से तो अंदर से फेंका जा रहा है, इसी में देखा जाएगा। हाँ वहीं से तो आ रहा है, तो इसी में अंदर दिख जाएगा। तो बस जो बैग है मेरा उधर दिख चुका है और अब यहाँ जो है ये कन्फर्मेशन बटन क्लिक होगा। टैग टूट चुका है इसका। फाइनली हम लोग लगेज वगैरह लेकर निकल गए बाहर। तो फाइनली हम लोग लगेज लेकर निकल गए बाहर। अब आज के इस ब्लॉग के साथ ही ये ट्रिप भी ख़त्म होता है, लखनऊ और दिल्ली का जो ट्रिप 7 दिन का लंबा ट्रिप। अब जा रहे हैं घर, अब आने वाला वीडियोज आएगा, वो कुछ पटना कहीं आएगा, बस कैब का वेट कर रहे हैं। आगे आगे आ गया 2865 वही वाला। देखिए खुलेंगे, आपका तो पहले से ही भरा हुआ लग रहा है। एक डाल दीजिए, एक आगे रखा जाएगा। गाड़ी तो हम लग रहा है कि तुरंत शोरूम से लेके आ रहे हैं। गाड़ी नहीं, इसी के बाद हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद जो है लखनऊ दिल्ली का व्लॉग्स नहीं आएगा, लखनऊ दिल्ली का जो ट्रिप था वो ख़त्म हो गया। अब आगे से जो भी वीडियोस आएगा वो पटना कहीं आएगा, ये अंतिम व्लॉग था। घर जा रहे हैं, अब एडिटिंग जो है वो होगा और इस चैनल पर वीडियोस आधी रात में आने वाला है, फिर कल से जाएगा पटना में भी, दिल्ली लखनऊ का वीडियोज़ आएगा। ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।